तो बैकबेंड अगर आपको करना है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप बिगिनर हो, बैकबेंड कोई भी कर सकता है, ये एक बेसिक है। बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी हम मतलब हमेशा भूलते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल्स होता है उसको नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, जो कि यही है सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल प्रोसेस। कुछ भी आप करो, कुछ भी आप कुछ एक्सरसाइज करो, स्टंट्स करो, डांस करो, कोई भी फील्ड में आप कुछ भी करो, अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नहीं है तो आप कभी भी उस हिसाब से आपके बॉडी को काम में नहीं लगा पाओगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी का पहला जो स्टेप है वो है बैक बेंड। और ये जो तरीका भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ये पहला तरीका है जो कि सब कर सकते हैं, कोई भी बिगिनर कर सकता है। अगर उसका वेस्ट बेंड नहीं भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसके बॉडी में नहीं है, स्टिप है, वो भी कर सकता है। पहले आपको यहाँ क्या करना होगा, हाथों को इस तरह से रखना होगा आराम से और घुटनों को फोल्ड करके रखना होगा वेस्ट के पास, कमर के पास। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक के सेट करना होगा, कमर को पहले पुश करना है आगे, कमर को आगे पुश करने के बाद उसके बाद हाथों से पुश करके हाथों को सीधा कर देना है। और वहाँ पे जब हाथ सीधा हो जाए, कमर को पहला पुश करना है आपको, उसके बाद हाथों को पुश करना है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो सर है उसको ढीला छोड़ना है, सर को स्ट्रेट नहीं रखना है। अगर सीधा आप सर रखोगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, नेक में प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये एडवांस वाला है, मतलब डायरेक्ट खड़े होके करने का। ये इसको करने के लिए आपको आपके दोस्त के मतलब हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना हेल्प का ये होता नहीं है। पहले पहले तो आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा, उनको बोलना होगा कि आपके कमर को पकड़कर पूरी तरह से सपोर्ट दे, क्योंकि कभी आप पहली बार ये नहीं कर पाओगे, बार बार प्रैक्टिस के बाद ही करोगे। तो पूरा जो कमर का जो सेंटर पॉइंट है, कोर पॉइंट, वहाँ से पकड़ना होगा उसको, और वहाँ से पकड़ के रिलीज करने के बाद फिर उठा के आपको खड़ा भी करना होगा। ऐसे में क्या होगा, जब आप एडवांस वाला करोगे तब आपको परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आप अपने दोस्त को बोलो कि जो प्रेशर वो दे रहा था, जैसे पकड़ रहा था वैसे पकड़े ना, ताकि आपके कमर में ज़्यादा प्रेशर हो और आप बिना सपोर्ट के ये कर सको। और ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये मतलब सडनली नहीं करना है आपको, धीरे 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 करना है। 1 वीक लगेगा, 7 दिन लगेगा ये करने के लिए, लेकिन 7 दिन में आपके फ्लेक्सिबिलिटी इतना हो जाएगा आप खुद शॉक हो जाओगे। अगर आपका बॉडी स्टिफ है तब भी आप फ्लेक्सिबल पा सकते हो, अगर ये तरीका आप अपनाओ तो, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी तरह से होता है। वेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमर का बेंड होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे कुछ भी करो आप। ये जो प्रोसेस मैंने बताया यहाँ पर, ये पूरा बेसिक प्रोसेस था, पूरा फंडामेंटल प्रोसेस था। इसका एक एडवांस वीडियो मैं बनाऊँगा, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि बैक बेंड प्रॉपर्टीज़ के साथ कैसे करते हैं, और मतलब कि जो टायर हो गया, रोलिंग्स हो गए, फिर रोप हो गए, उसके साथ बैकबेंड कैसे करते हैं, एक और वीडियो में लाऊंगा इसके ऊपर। तब तक के लिए ये बैकबेंड बेसिक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। टिल देन आई विल सी यू लेटर। टाटा, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, नेवर गिव अप। आई विल सी यू लेटर।